हेलो फ्रेंड्स, बीसीडी टैग के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यहां पर है मेरे हाथ में एक अपग्रेडेड मोशन कंट्रोल स्क्रूड्राइवर ES121 जो कि अपग्रेड है इस ES120 की। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि कैसा है स्क्रूड्राइवर और इसमें आपको क्या नए फीचर्स मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक बीसीडी टैग को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी यूट्यूब ऐप पर सर्च करें बीसीडी टैग और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। तो दोस्तों, डिब्बा देख लीजिए, कुछ स्टेप के डिब्बे में ये इस बार रिसीव हुआ है। पुराने डिब्बे से काफी डिफरेंट है, छोटा भी है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा ये भी बहुत बड़ी अपडेट है कि डिब्बा छोटा कर दिया। तो दोस्तों, ये है ES121 जो कि सेम STM32 चिप के साथ आता है। 3-axis gyro है, 4mm की बिट को सपोर्ट करता है, ऑर्गेनिक डिस्प्ले भी है और ये स्क्रू को ड्राइव करेगा। मोशन कंट्रोल स्क्रू ड्राइवर है। इस साइड दोस्तों कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, बैंगवुड की सील मिल जाएगी। पीछे की साइड को दोस्तों इसके बॉक्स कंटेंट मिल जाएंगे। दो ऑप्शन में ये स्क्रू ड्राइवर आता है। यहाँ पर जो मेरे हाथ में है वो है स्टेनलेस स्टील वर्जन। इनका एक क्रोम प्लेटेड भी आता है, तो आप उसको भी ले सकते हो क्रिएटिव कॉमन्स। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कि ये प्रोडक्ट मेड इन चाइना है। तो आइए दोस्तों करते हैं इसके डिब्बे को ओपन। कोई सिक्योरिटी सील नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मिलेगा इस डिब्बे के अंदर एक स्क्रू ड्राइवर। तो ये है दोस्तों ES121। आइए इसको साइड में रखते हैं। साथ में दोस्तों दो बिट्स भी आती हैं, एक फ्लैट है और दूसरी PH00 है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की बिट्स देते हैं साथ में। और अगर डिब्बे में आगे बढ़ा जाए तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा क्लॉथ मिल जाएगा और इसका यूज़र मैनुअल है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, क्या इसके फीचर्स हैं, सब कुछ आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर बिल्कुल वही स्पेसिफिकेशन है जो कि आपको ES120 में मिलती थी। सेम वोल्टेज है, सेम ऑपरेटिंग टाइम है, चार्जिंग टाइम है, सेम हेक्साबिट को सपोर्ट करता है और लेआउट भी लगभग सेम है। तो आइए इसको साइड में रखते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस स्क्रू ड्राइवर में आपको दो सेट ऑफ बिट्स मिल जाएंगी। एक में आपको फिलिप्स 000, P2, P5, T4, 6, 8, 10 और दूसरे में आपको PH0, PH2, H1.5, 1.0, SL1.5, 3.0, 4.0। तो काफ़ी वेरिएशन मिल रहा है इस पर बिट्स में। तो यहाँ पर मैं कहूँगा ये दो सेट आपकी डेली नीड्स में जो आपको चाहिए होती है सबको फुलफिल कर सकती है। तो यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा बिट लेने की अब जरूरत नहीं है, दो सेट ऑफ बिट्स साथ में दिया गया है तो सफिशेंट है, देख सकते हो। और जो बिट की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग बिट है। बाकी बाद में देखेंगे कि टाइम के साथ इनका क्या हाल होता है। तो फिलहाल दोस्तों ये स्क्रू ड्राइवर इस बार काफ़ी सारी बिट्स के साथ आता है। और अगर आगे बॉक्स में देखा जाए तो इस बार दोस्तों कोई पाउच नहीं है, मतलब कि कोई कैरी पाउच नहीं है। तो ये है इस स्क्रू ड्राइवर के बॉक्स कंटेंट। एक बॉक्स है, दो सेट ऑफ बिट्स हैं, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बिट्स भी दी गई हैं, मैनुअल है, स्क्रू ड्राइवर है और एक क्लोथ है। तो आइए दोस्तों अब स्क्रू ड्राइवर को देखते हैं। तो दोस्तों ये है नया स्क्रू ड्राइवर ES121। दिखने में, लेआउट में बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि ES120 था। अगर आप दोनों को साइड बाई साइड कंपेयर करोगे तो पता चलेगा कि कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लेआउट में। बस जो ऊपर वाली कैप है उसमें आपको एक रेड कलर की रिंग मिल जाएगी। डिस्प्ले भी बिल्कुल वैसा ही है, बटन की लेआउट भी वैसा ही है, मॉडल यहाँ पर डिफर हो गया। और यहाँ पर दोस्तों आगे की जो शाफ्ट है वो भी बिल्कुल सेम ही है। तो यहाँ पर डिज़ाइन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर जो डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा इसके गियर बॉक्स के अंदर, मतलब कि जो यहाँ पर मोटर की स्पीड को डाउन कर रहा है इस बार आपको मिल रहा है 1/64 का गियर रिडक्शन मैकेनिज्म, जबकि इसमें था 1/144 का रिडक्शन मैकेनिज्म। मतलब कि इस बार जो स्पीड है वो आपको 380 RPM की मिलेगी, जबकि इस केस में थी 170 RPM की। तो फिलहाल इसके सिवाय देखा जाए इन दोनों स्क्रू ड्राइवर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम लेआउट है। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ES120 में और इस नए स्क्रू ड्राइवर में। तो यहाँ पर दोस्तों आप इन दोनों की स्पीड में डिफरेंस दे सकते हो। देख सकते हो कि जो नया स्क्रू ड्राइवर है वो काफ़ी फास्ट है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड। तो यहाँ पर काफ़ी जल्दी ये स्क्रू ड्राइव कर रहा है एज़ कम्पेयर टू ES120। देख लीजिए दोस्तों, तो यहाँ पर डेफिनेटली ये विनर है। यहाँ पर जो स्पीड है वो ऑलमोस्ट डबल है, तो यहाँ पर जो स्क्रूज हैं वो जल्दी ड्राइव हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो यहाँ पर मैं रेकमेंड करूँगा अगर आप यहाँ पर ES120 को ख़रीदने जा रहे थे तो दोस्तों लेने से पहले एक बार इस मॉडल को भी ज़रूर देख लें। बाकी अगर आप स्क्रू ड्राइवर की वर्किंग को समझना चाहते हो तो मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ, इसमें एक फिजिकल बटन मिलेगा जिसके जरिए आप इसके डिस्प्ले को ऑन कर सकते हो। और इस डिस्प्ले में आप इसकी बैटरी की परसेंटेज दे सकते हो, स्क्रू को दे सकते हो कि किस डायरेक्शन में स्क्रू घूम रहा है। और यहाँ पर आप मोड को चेक कर सकते हो। मोड आप दोस्तों यहाँ पर इस बटन को 3 बार
प्रेस करके एसेस कर सकते हो। इसमें ऑटोमेटिक मोड है और 1, 2, 3, 4 ऑटोमेटिक मोड में ऑटोमेटिक रहेगी टॉर्क, और 1, 2, 3, 4 के हिसाब से यहाँ पर टॉर्क गिरती चली जाएगी। तो यहाँ पर आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। बाकी कैसे स्क्रू ड्राइवर वर्क करते हैं इसके लिए दोस्तों आपको इस बटन को प्रेस करना है और अपनी रिस्ट को रोटेट करना है। तो जिस डायरेक्शन में आप रिस्ट को रोटेट करोगे उस डायरेक्शन में जो बिट है वो मूव करने लग जाएगी, और अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करोगे तो स्पीड है वो गिरती चली जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये रिस्ट की मोशन को डिटेक्ट करके डायरेक्शन को चूज करता है, देख सकते हो। तो यहाँ पर ये मोशन कंट्रोल स्क्रू ड्राइवर है, मतलब कि आपकी रिस्ट की मोशन को डिटेक्ट करके ये स्क्रू को ड्राइव करेगा। तो आइए दोस्तों कुछ स्क्रूज को ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रूज को ड्राइव कर रहा हूँ, देख सकते हो कि जो स्पीड है वो काफ़ी हाई है। अगर आपको कोई बहुत बड़ा स्क्रू ड्राइव करना है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इस स्क्रू गेज के स्क्रू को ड्राइव करने की कोशिश करूँगा, देख सकते हो कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ तो ये इतने बड़े स्क्रू को नहीं ड्राइव कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल टॉर्क है वो काफ़ी कम है। आपको यहाँ पर मिल रही है 1.5 किलोग्राम ऑफ फोर्स सेंटीमीटर की इलेक्ट्रिकल टॉर्क, और मैक्सिमम टॉर्क मिलेगी 30 किलोग्राम ऑफ फोर्स सेंटीमीटर की, मतलब कि टॉर्क ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आप अपने रिस्ट की टॉर्क का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों इसके आगे वाली शाफ्ट के अंदर आपको लॉकिंग मैकेनिज्म मिल जाएगा, जो कि दोस्तों जो मोशन है उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा, मतलब कि अगर आप इसको आगे से घुमाने की कोशिश करोगे तो दोस्तों ये नहीं घूमेगा, और इसी वजह से आप इस स्क्रू ड्राइवर को अपने हाथ से भी चला सकते हो, मतलब कि अपनी मसल पावर से भी चला सकते हो। और ये दोस्तों यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में नहीं, दोनों डायरेक्शन में वर्क करेगा, मतलब कि इस स्क्रू ड्राइवर में आपको एक लॉकिंग मैकेनिज्म मिल जाएगा जो कि इस शाफ्ट की ड्राइविंग आगे से रिस्ट्रिक्ट करेगा। अगर आप इस शाफ्ट को पीछे से, मतलब कि मोटर वाले एंड से ड्राइव करने की कोशिश करोगे तो ये आपकी नॉर्मली घूम जाएगी। तो दोस्तों इस स्क्रू ड्राइवर को आप यहाँ पर मैनुअली भी यूज़ कर सकते हो, और ये आपके वेरी सिनेरियो, जैसे कि अगर कोई स्क्रू टाइट हो चुका है, इनिशियल टॉर्क इससे इतनी नहीं मिल पा रही है, तो आप यहाँ पर अपनी मसल पावर से इनिशियल टॉर्क दे सकते हो, और बाद में दोस्तों इसकी जो मोटर है वो वर्क कर देगी। तो फिलहाल इस टाइप का आप यहाँ पर ड्राइविंग ले सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि इस स्क्रू ड्राइवर के पास इतनी टॉर्क नहीं कि ये इस स्क्रू को इनिशियली ड्राइव कर पाए। तो यहाँ पर मैं अपनी पहली मसल पावर से इसको थोड़ा लूज़ कर देता हूँ और उसके बाद स्क्रू ड्राइवर छोड़ देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर किसी सिनेरियो में आपको अपनी मसल पावर का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये आपकी अनड्राइव करने के लिए नहीं, स्क्रू को ड्राइव करने के लिए काम आएगी, मतलब कि आपको फाइनल टच हाथ से देना है तो आप उससे भी दे सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया स्क्रू ड्राइवर है। यहाँ पर इसका एक ही डीमेरिट पॉइंट है कि ये जो स्क्रू ड्राइवर है ये टोटल मेटल का बना हुआ है। तो यहाँ पर आप इस स्क्रू ड्राइवर को डायरेक्टली एसी मेंस के ऊपर नहीं चला सकते हो, मतलब कि अगर आप घर में कोई इलेक्ट्रिकल सॉकेट को ठीक करने जा रहे हो तो आप इस स्क्रू ड्राइवर को डायरेक्टली मेंस के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। बाकी नॉर्मल ड्राइविंग के लिए काफ़ी बढ़िया है, और यहाँ पर मैं रेकमेंड करूँगा। बाकी आप इसका पुराना वेरिएंट भी ले सकते हो, ये भी काफ़ी बढ़िया है। प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर जो नया वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा रखी गई है, 7-7.5 हज़ार रुपये तक का आपको ये मिल जाएगा, जबकि ES 120 45-46 के बीच में आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो यहाँ पर अगर आप ES 120 लेना चाहते हो तो उसको भी ले सकते हो। बाकी मैं इतना कहूँगा, अगर आप लेने ही जा रहे हो तो आप ES 121 लीजिए, ये ज़्यादा बेटर है ES 120 से। तो फिलहाल ये रहा ई डिज़ाइन का ES 121, जो कि एक मोशन कंट्रोल स्क्रू ड्राइवर है, वेरियस सिनेरियोस में ये आपकी हेल्प करेगा, मैं रेकमेंड करूँगा। तो इसी के साथ इस वीडियो एपिसोड को मैं यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पर बना रखी हैं और आगे भी आती रहेंगी। अगर आप उन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Thank you.